दोस्तों, अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon Prime Video पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon Prime Video पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों, यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों, यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon Prime Video के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों, यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को
जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों, यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों, यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को
अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज
रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है। कोर्ट में दोनों अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो
तो यह मूवी आपको काफी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा, अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है, और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें, टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है,
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में
अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है।
64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमा घरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है।
13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमा घरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon Prime Video पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon Prime Video पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon Prime Video के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं
सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमा घरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon Prime Video पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon Prime Video पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों, यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों, यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon Prime Video के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों, यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमा घरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon Prime Video पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon Prime Video पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon Prime Video के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है।
दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमा घरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा, अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है,
और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें, टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रीचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो।
सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रीचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपने दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है।
तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रीचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो
तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमा घरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रीचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने,
बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए
और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों, यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों, यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों, यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग
लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफी गजब का थ्रिल और कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपने
अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर
असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है। कोर्ट में दोनों अपने अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का ओटीटी प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है।
तो दोस्तों यह मूवी काफी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है। कोर्ट में दोनों अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियल पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, रिचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें
अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ सेक्शन 375 मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रीचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा,
श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में रिचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है, इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सेक्शन 375 मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा लीगल मूवी सेक्शन 375। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, राहुल भट्ट, साक्षी बेनीपुरी, मीरा चोपड़ा, श्री शवरा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 64% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस मूवी को सिनेमाघरों के बाद इस मूवी का OTT प्रीमियर हमें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सेक्शन 375 मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 375 मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सेक्शन 375 मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर और सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है और दोस्तों यह मूवी की लेंथ 2 घंटा और 5 मिनट के आसपास की है। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी छोटी मूवी है लेकिन एक कंप्लीट मूवी है। सेक्शन 375 मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों आपको इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर रोहन खुराना है, जिस पर उसकी टीम की जूनियर कॉस्ट्यूमर असिस्टेंट अंजलि दामले मीरा चोपड़ा दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पुलिस FIR दर्ज होती है और उसका मामला सेशन कोर्ट में जाता है। सबूतों के आधार पर जज रोहन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तरुण सलूजा अक्षय खन्ना जो माने जाने माने वकील है और रोहन के केस को लड़ते हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा हिरल गांधी की भूमिका में है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में दोनों अपनी दलील और सबूतों को पेश करते हैं। अब कोर्ट में जीत किसकी होती है इसके लिए दोस्तों यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। Amazon प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स पर देखने को मिला है। दोस्तों यह मूवी फेसबुक पर भी काफ़ी पेजेस पर अवेलेबल है। अनऑफिशियली पेजेस पर यह मूवी को क्लिप वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली देखना चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब का थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।